फ्रेंड्स माय नेम इज साधना देवी चौहान एंड दिस इज यू टू स्टडी चैनल और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एरर्स फर्स्ट है ऑल एंड एवरी सेंटेंस है एवरी चिल्ड्रन नीड लव तो दिस इज इन करेक्ट सेंटेंस एवरी चिल्ड्रन नीड लव इसका करेक्ट फॉर्म होगा एवरी चाइल्ड नीड्स लव एवरी चाइल्ड नीड्स लव तो यहां पर क्या होगा कि एवरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन यहां पर चिल्ड्रन जो है प्रोना प्लूरल है और चाइल्ड जो है सिंगुलर है एवरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन इसीलिए चाइल्ड और जैसा कि सिंगुलर नाउन है उसके पीछे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा इसीलिए नीड्स तो एवरी चाइल्ड नीड्स लव होगा करेक्ट फॉर्म अगला एग्जाम्पल देखते हैं ऑल के लिए ऑल द रिजल्ट वॉज आउट और नेक्स्ट है ऑल द रिजल्ट वर आउट आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर लेंगे और आप डिसाइड करो कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए ठीक है तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा ऑल द रिजल्ट वर आउट क्योंकि ऑल हमेशा फॉलोड बाय प्लूरल नाउन ऑल को हमेशा प्लूरल नाउन के साथ ही लिखा जाता है इसी में नेक्स्ट हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स हैं नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो है अल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव दोनों का प्रोनाशियशन इस तरह से है ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है डिफरेंट इंस्टेड ऑन द अदर हैंड इसका मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं के अलावा ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है के अलावा ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है चॉइस कोई चॉइस की बात कही जा रही है जबकि अल्टरनेट का मतलब होता है एवरी सेकेंड इन टर्न्स या फिर आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं बारी बारी या फिर समान रूप से अंतर है जिनके बीच में ठीक है इसका एग्जाम्पल है शी अटेंड्स क्लास ऑन ऑल्टरनेट डेज इसका मतलब ये समझ में आता है कि शी अटेंड्स क्लास एक दिन आती है फिर अगले दिन नहीं आती फिर अगले दिन आती है दैट मीन्स एक बारी बारी उसने एक गैप लिया और फिर आई इन दिस वे शी अटेंड्स क्लास ऑन ऑल्टरनेट डेज और इसका नेक्स्ट है एग्जाम्पल आई हैड